नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैं आप सभी के लिए पालकियों की वीडियो लेकर आया था, जहां पर मैंने आप सभी को काफ़ी सारी पालकियां दिखाई थी यहां पे एहसान फाइबर मार्ट पे। आज मैं फैक्ट्री में आ गया हूं, मेरे सर एहसान भाई भी, और आज आपके लिए नई पालकी लेके आई। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये 2 इन 1 पालकी होने वाली है। बाकी जो डिटेल्स है पालकी की एहसान भाई से पूछते हैं। हाँ जी भैया, कैसे हो आप? बढ़िया अभिषेक। आज भी हम अपने व्यूअर्स को क्या क्या चीज़ दिखाने वाले हैं आज हम एक नई मशीन बनाए हैं, पद्मावत बनाए, न्यू पद्मावत, इसको मराठा पद्मावत बोलते हैं। ठीक है, अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है अपने इधर दिल्ली के साइड में। बाकी और उधर महाराष्ट्र साइड तो पहले से चल रहा है। ठीक है, अभी 2-4 महीने हो गए, लेकिन हमने अभी पहला बनाया है। अभी 2-3 मशीनें हमने इनका बनाया है, ट्रायल वगैरह पूरे हो गए हैं इसके। अभी हमारा तीसरा या चौथा मशीन है। जब हमारा ट्रायल पूरा हो गया है, जब हम इसकी आपसे वीडियो बनाने के लिए इसको रिक्वेस्ट किए हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही होने वाली अपनी ये जो पालकी है, ये ऑटोमेटिक है, ये ऊपर का रिवॉल्विंग है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एसी बोलते हैं उसे। ठीक है ना, और इसमें मोटर लगी हुई है, एक की मोटर लगी हुई है, एक के गियर लगी हुई है। जो अपना गियर उसे बोलते हैं जो चाल को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट हम मोटर से उसको रिवॉल्विंग करेंगे तो उसकी चाल ज़्यादा आएगी। अच्छा। तो हमने इसकी चाल कंट्रोल करने के लिए गियर लगाया है। सो हाँ जी भैया, थोड़ा थीम के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये किस हिसाब से डिज़ाइन होने वाला है? ये जो डिज़ाइन बना है, मैं बता दूँ, इसके सारे फाइबर में बने हैं। फाइबर, आयरन और वुडन यूज़ हुआ है। जैसे ये सोफ़ा देख रहे थे, ये सोफ़ा फाइबर के है अपने। ये ऊपर जो ये अटैच है फाइबर का बना हुआ है। मोस्टली आप सोफ़ा देखे होंगे कि वुडन का होता है या क्या कहते हैं कपड़े का होता है, लोहे की होती है, लेकिन ये हमारा पूरा फाइबर है। बैकग्राउंड भी हमारा फाइबर का है और ये भी फाइबर है। ठीक है ना, और फाइबर में पूरा अच्छे क्वालिटी में बनाया गया है, जो काफ़ी ये अभी 10-15 लोग के वेटेड ले सकता है। अच्छा, जैसे अभी इसका स्टेज देखे तो ये वुडन का बना रखा है आपने। हाँ। अच्छा, जो आप इसमें कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, कंपोनेंट्स की क्या क्वालिटी है? जैसे आपने अंदर मोटर लगा रखी है और जो व्हील्स वगैरह लगाए रिवॉल्विंग के लिए, उसकी क्या क्वालिटी होने वाली है यहाँ पे? जो हमारा मोटर होता है ना, मोटर हमारा प्योर कॉपर में होता है। ठीक है ना, 1 kg का होता है, प्लस 1 साल की गारंटी होती है उसकी। ठीक है, ठीक है ना, हम सिल्वर वगैरह में हम मोटर यूज़ नहीं करते हैं, कॉपर हीट हो जाता है। हम लोग ओरिजिनल कॉपर में मोटर बनाते हैं। अच्छा, और 1 साल की हम गारंटी देते हैं विद रिप्लेसमेंट में। ठीक है ना, नए पुरानी मोटर लाए, फूका हुआ, नई मोटर हम देंगे उनको। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो थीम, यहाँ पे आपको ये आइटम फाइबर के मिलते हैं, साथ में यहाँ पे स्टेज देख सकते हो वुडन की होने वाली है, ये वुडन का होने वाला है। और अगर बात करें, आपको इसमें बल्ब्स मिलेंगे, आप देख सकते हो लाइट मिलेगी बैकग्राउंड के अंदर, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इफेक्ट इसका दे रही है। और यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हो, तो वैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 2 in 1 होने वाली है। एक यहाँ पे हमने इसकी थीम सेट कर रखी है, जो कि अभी पीछे हमने सेट कर रखी है, आप देख सकते हो। और एक इसमें थीम और है, वो आप ये देख सकते हो अभी यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी आपको ये भी मैं सेट करके दिखाऊंगा कि इसके साथ इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो फिलहाल कुछ चीज़ें और जानते हैं इसके बारे में। तो भैया, जैसे कि अपनी थीम होने वाली है और इसमें जैसे कि आपने बोला कि रिवॉल्विंग है, तो इसमें अगर ऑटोमेटिक चाहें हम, तो ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे हो सकता है? जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा पिछले वीडियो जो हमने शूट किया था उसमें भी बताया था, हमारा 30,000 उसका एक्स्ट्रा होता है। बाकी हमारा जो इसमें है ज़्यादातर मैनुअल ही चलता है। ठीक है ना, बाकी अगर कोई क्लाइंट अगर कहता है कि हमें ऑटोमेटिक चाहिए, इसमें भी हो जाएगा। इसमें जो भी हमने छोटे व्हील वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, हमारा इसमें बड़े टायर के लिए, हाँ, जो हमारा चलने के रोटेशन के लिए है, बड़े टायर लगे हुए हैं। अच्छा। पीछे स्टेरिंग लगा हुआ है, ठीक है, सारे लगे हुए हैं। ठीक है ना, बाकी इसी में ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, कुछ भी चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे इसको। तो अभी फिलहाल इसमें शिफ्टिंग के लिए आपको मैनुअली शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं भी आपको ले जाने स्टेयरिंग, जैसे कि भैया ने बताया स्टेयरिंग लगे, अच्छे क्वालिटी के व्हील्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रिवॉल्विंग की, तो रिवॉल्विंग आपको पूरा ऑटोमेटिक मिलता है, जो कि स्टेज रिवॉल्व होती है, और साथ में आपको LED वगैरह मिलेगी। तो जैसे रिवॉल्व होती है, तो ये बैटरी ऑपरेटेड है, कैसे होता है? ये AC में है। ठीक है ना, अगर हमें ऑटोमेटिक सिस्टम अगर लेते हैं तो DC में भी हो जाएगा, और इसको भी अगर हम AC है, अगर हम इसको कन्वर्टर के साथ जैसे अगर चेंज करें तो बैटरी से भी चल जाता है। 12 वोल्ट का बैटरी रहेगा, चल जाएगा। जैसे हमारा ये लाइट है, लाइट हमारा AC वाला है। अच्छा। लेकिन हमने इसे अभी बैटरी से कर रखा है, क्योंकि अगर तार देंगे तो ये इसमें लिपट जाएगा। अच्छा। इसलिए हमने DC ऑपरेट कर दिया, कन्वर्टर लगाया है। अगर हम पीछे से अगर अभी शूट करेंगे तो देखेंगे पीछे कन्वर्टर लगा हुआ है, उसके थ्रू हो रखा है। ओके, तो इसकी भी अब कॉस्टिंग क्या होने वाली है? जैसे अगर पर्टिकुलर इसकी बात करें, जो आपने ये हम दिखा रहे हैं व्यूअर्स को, इसकी क्या कॉस्टिंग है? इसकी कॉस्टिंग हम बहुत ही लाइट कॉस्टिंग रख रखे हैं। ये तो अगर आप अगर उधर महाराष्ट्र साइड अगर परचेज करते हैं तो 1,80,000-90,000 रुपए का चल रहा है एक पालकी। हाँ, एक पालकी। अच्छा। लेकिन हम यहाँ पे 50-60% डिस्काउंट पे 75,000 का ओनली दे रहे हैं, 75,000 रुपए का। तो 75,000 में आपको ये मैनुअल वाला मिल जाता है। अगर इसको जैसे कि आपने बोला ऑटोमेटिक करना है, तो उसमें 30,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे, मतलब 1,05,000 में ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
जैसे कि चाहे आप इसमें ये रिवॉल्विंग हो गया, शिफ्टिंग करने के लिए हो गया, पूरा ऑटोमेटिक मिलेगा जी। तो एक बार भी इसको चला के और दिखा देते हैं। दोनों जन यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसकी जो वेट की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और अभी रिवॉल्विंग ही देख सकते हो आप किस हिसाब से रिवॉल्व हो रही है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी हमारी स्पीड भी इसकी कंट्रोल हो सकती है। अभी हमने एक फिक्स स्पीड रखी हुई है, थोड़ी स्लो है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो इसकी स्पीड है रिवॉल्विंग की वो भी चेंज कर सकते हो। सो ये आपको हमने छोटा सा यहाँ पे डेमो क्लिप दिखाया जिसमें आप देख सकते हो कि सब से रिवॉल्व होती है। अभी क्या करते हैं, इसका जो बैक है जैसे मैंने बताया 2-in-1 है, इसका जो बैक का ये सिस्टम है ये पूरा चेंज कर देते हैं, क्राउन वाला लगा देते हैं और आपको देन उसका इफेक्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपको कैसा इफेक्ट इसका मिलता है। सो अभी आपको मैं क्राउन वाली भी दिखाता हूँ यहाँ पे सेट करके, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। देखो बैक साइड में हमने लाइटनिंग वगैरह कैसे कर रखी है। तो जैसे कि ऐसा मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने DC का यूज़ कर रखा, तो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी ऑपरेट हो रखी है पूरी, और रिवॉल्विंग के लिए हम AC का यूज़ कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इधर देख सकते हो ये भी अपना जो लाइट है वो AC पे रहता है, लेकिन अगर हम इसके लाइट के तार में लगा दें तो ये जब रोटेट करेगा तो तार इसमें अलग जाएगा। सही बात है, इसीलिए हमने इसे बैटरी से किया है और कोई भी बैटरी सिंपल चल जाएगा अपना, 30-32 एम्पियर का है, 12 वोल्ट होना चाहिए, 12 वोल्ट ये कन्वर्टर होता है, ठीक है ना, ये उसके साथ मिल जाएगा, वो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैटरी उनको अपनी लगानी पड़ेगी, बैटरी उनको लगानी। आप क्या दोगे, आप ये सिस्टम लाइट का करके दोगे और ये कन्वर्टर दे दोगे। हाँ जी, बाकी ये लाइट भी हम लूज में देंगे, बाकी ये सब जो बने हुए हैं ना ये सब रहेगा, बाकी हम लाइट उतार के देंगे, ऐसे देंगे तो डैमेज हो सकता, बाकी वहाँ पे वो लगा सकते हैं। सो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे देखो अभी तो ये पूरी पालकी बनी हुई है, लेकिन जब ये आपको यहाँ पे डिस्पैच करी जाएगी, आप जब लोगे इसको तो इसको पार्ट में करके दे जाएगा ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई भी दिक्कत ना है। लाइक इसके बल्ब्स अलग कर देंगे, ये जो बैक में आपका ये सेट लगा हुआ इसको अलग कर देंगे, और नीचे वाला जो सेट है अलग हो जाएगा, ये सोफा अलग हो जाएगा, तो उसके बाद आपको देंगे। तो फटाफट से देखो अब मैं आपको क्राउन वाली पालकी लगा के दिखाता हूँ किस तरह से इसका जो आपको इफेक्ट मिलता है वो आता है। सो अभी जो मैंने आपको पिछली वाली पालकी दिखाई थी उसमें आप बैक साइड से दिखाया था, यहाँ पे अब हमने दूसरी पालकी सेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्राउन वाली पालकी भी है, तो इसमें आप डिज़ाइन देख सकते हो किस हिसाब से बनता है। तो भैया इसमें जो आपने ये जो फ्रेम बनाया हुआ है ये किस मटेरियल का बनाया हुआ है? ये क्राउन वाले पालकी बोलते हैं इसको, ये पूरे लोहे का होता है, ठीक है ना, इसमें लोहे का स्ट्रक्चर होता है। हमने जो पीछे दिखाया था उसमें फाइबर भी था, इसमें ओनली लोहा है। इसके मैंने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने शूट किया था, लेकिन वो एक सिंगल था। अच्छा। इसको शूट कराने का रीजन ये है कि जैसे इसमें 2-in-1 बनाया हूँ, जैसे अभी पहले जो बना था उसके तो ये पूरा सेटअप है, वो पीछे ऊपर का हट गया, अब हमारा ये और ये उसी का यूज हो रहा है, ठीक है, और ये क्राउन अलग से यूज हो रहा है। अच्छा, ये पूरा ढक जाएगा ना अभी? हाँ, ये फाइबर वगैरह आप लगा दोगे, डिजाइन बना दोगे, ये सब पूरा ढक जाता है। तो एक चीज मैं आपको बताऊँ, जो हमने आपको रेट्स बताए थे 75,000 रुपीज, वो एक पालकी के थे, या तो आप ये क्राउन वाली ले लो या फिर जो हमने पिछली वाली दिखाई थी मराठे पद्म नहीं, ना, अगर ये कंप्लीट लेते हैं तो और कम का ही है, 65 का है। अच्छा, ये वाला 65 का है। अगर जैसे किसी को एज इट इज यही चाहिए कि हमें ट्रॉली यही चल रहा है, रिवॉल्विंग यही और ये, तो 65 का ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। बाकी अगर 2-in-1 करना है कि हमें ट्रॉली तो एक ही चाहिए लेकिन ऊपर का सिस्टम दो चाहिए। अच्छा। पिछले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने शूट किया था तो काफी हम लोग रिक्वायरमेंट आया था कि सर ट्रॉली हमारे पास काफी जगह लेते हैं, तो इस ट्रॉली हमारे पास वही एक ही रहे और ऊपर के सिस्टम 1-2-3 जैसे भी हो जाए, इसलिए हमने ये ऑप्शन दिया है कि इसमें दो हो जाएगा, ट्राली एक ही रह जाएगी, ऊपर का सिस्टम दो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़े आपको ना इसके व्हील्स वगैरह दिखा देता हूँ किस हिसाब से व्हील्स वगैरह की क्वालिटी आपको मिल जाती है, स्टेयरिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो आगे कुछ इस टाइप से, देखो स्टेयरिंग वगैरह सेटअप कर रखा है ताकि इसको शिफ्ट करने में ये अपना जो होता है ना आगे से मूवमेंट करने के लिए पूरा होता है, प्रॉपर अपना स्टीयरिंग होता है। हाँ, और यहाँ पे व्हील्स भी देख सकते हो किस हिसाब से हैवी व्हील्स लगाए गए हैं, और पूरा फ्रेम आप देख सकते हो आयरन का फ्रेम बनाया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, डिज़ाइन वगैरह आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक जो यहाँ पे ये फाइबर लगा हुआ है, आगे यहाँ पे फाइबर लगा है, अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कोई भी रख सकते हो, कलर आप कोई भी रख सकते हो। और जिस हिसाब से हमने पिछली वाली थीम के ऊपर सोफा लगाया था, तो सोफा भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपको उस पर क्या डिज़ाइन चाहिए, उसके बैक साइड में क्या डिज़ाइन चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएंगी। तो आपको टोटल जो प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ बता दी, थोड़ी सी आपको इनकी जो क्लिप है एक्चुअल में, क्योंकि ये सारी जो हमारी पालकीज होती है वेडिंग्स के लिए यूज़ करी जाती हैं, इनकी क्लिप वगैरह मैं आपको थोड़ा ऊपर डेमो में दे दूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप थोड़ा यहाँ का अपने फैक्ट्री का एड्रेस बता दीजिए व्यूअर्स को, मेरे एड्रेस क्या है? मेरे फैक्ट्री का लोकेशन पड़ता है दिल्ली बॉर्डर,
ठीक है ना, जैसे नियर बाय हमारा अगर मेट्रो स्टेशन ले तो कश्मीरी गेट भी है, अब सिर्फ बिहार भी है, थोड़े दिन बाद हमारे खजूरी में भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे खजूरी से नियर बाय 3 किलोमीटर है, मतलब 10 मिनट का हड्डी रास्ता है, बिल्कुल हमारा ऑन हाईवे पे है। अभी तो नाइट हो गया, नहीं तो सामने हाईवे ही है। हाँ। मैंने पिछले वीडियो में डाला था तो उसमें हाईवे भी कवर किया था। तो यहाँ पे हमारा पहले भी हमने पालकी की वीडियो बना रखी है, उसमें आपको काफी सारी रेंज दिखाई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप चेकआउट जाके कर सकते हो। और अच्छा, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो क्या है? कॉन्टैक्ट हमारा मोबाइल नंबर है 9958963925। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह उस पर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं, अगर नहीं भी जैसे हम कुछ समझ नहीं आ रहा उसके बारे में भी हमें कॉल कर सकते हैं, गाइड भी आपको कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको दोनों थीम का रिवॉल्विंग भी दिखा दिया। यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट होते, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे आइटम यहाँ पे लूज कर दिए जाएंगे ताकि आपके ट्रांसपोर्ट स्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टूटे फूटे ना, ये बल्ब वगैरह सारी चीज़ें अलग करके भेजेंगे वो। और जैसे कि बताया था, मोटर वगैरह सारी हैवी क्वालिटी की लगाई है। भैया ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी बता दी, यहाँ का एड्रेस प्रॉपर जो इनका विजिटिंग कार्ड है, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दे दूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दे दूंगा। और दोस्तों, यहाँ पे आने वाले टाइम में भी काफी सारी मैं आपके लिए पालकी की वीडियोस बनाऊंगा। जैसे आप देख सकते हो, एक बार फैक्ट्री कर मैं आपको नजर दिखाऊं, तो यहाँ पे फाइबर के काफी हमारे पास बनते रहते हैं। कोई पार्टी भी आए हुए, ये है, ये दोनों अभी हमारे पास आए हुए हैं। तो अब एक बार बैक साइड में देखो, यहाँ पे वीडियो देख के ये लोग लेने आए हैं, ये सारे जो आइटम्स होते हैं, तो फाइबर को भी आगे कवर करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो मैंने आप सभी को ये दोनों 2-in-1 जो थीम थी वो दिखा दी, इसका रेट भी बता दिया। वापस एक बार रेट बता देता हूँ, अगर आपको मराठा पद्म वाली थीम चाहिए तो 75,000 की है जी, और अगर सिंगल ये वाली चाहिए तो 65,000 की, अगर दोनों कंबाइन करके लेते हो तो 1 लाख की पड़ती है, उसको ऑटोमेटिक करते हो तो 1,30,000 की पड़ जाती है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। भैया के पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको सारी दे दूंगा, साथ में इनकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चैनल बना रखे, जहाँ पे आपको जितनी भी इनकी वीडियोज होंगी, फाइबर की हो गई, पालकी की हो गई, आने वाली वीडियोज होंगी, उनका प्रॉपर लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।